क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन 23 5x प्लस 3 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। क्या करना है हमें, हमें जो ऊपर 5x प्लस 3 है उसको a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 प्लस 10 अपॉन dx प्लस b करना है। तो 5x प्लस 3 इक्वल टू a, 2x प्लस 4 प्लस b, 5x प्लस 3 इक्वल टू 2ax प्लस 4a प्लस b बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, क्या मिला हमें 5 इक्वल टू 2a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 5/2, a की वैल्यू आई, बाय इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म्स तो कांस्टेंट टर्म इधर 3 है, इधर 4a प्लस b है, तो 4a प्लस b इक्वल टू 3, 4a की जगह 5/2 प्लस b इक्वल टू 3, 2 1 जा 2 2 जा 5 2 जा 10 प्लस 3, 10 प्लस b इक्वल टू 3, b इक्वल टू 3 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 7, तो b की वैल्यू आ गई माइनस 7 आपके पास। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसकी जगह आप लिखोगे a की जगह 5/2 इंटू 2x प्लस 4 प्लस b यानी माइनस 7 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, ये हो गया। अब ये दो अलग अलग क्वेश्चन बन गए, ये और ये, तो 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx माइनस 7 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इंटू dx, तो i इक्वल टू i1 प्लस में i2, i1 की वैल्यू, i1 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस में 4 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू t, तो 2x प्लस 4 dx इज इक्वल टू dt, तो इसमें आ जाएगा देयरफॉर i1 इक्वल टू 5/2 dt अपॉन में रूट टी, यानी 5/2 रूट टी, टी की पावर माइनस 1/2, तो टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 इंटीग्रेट करने के बाद इस 2 से ये 2 कैंसिल, 5 रूट टी यानी 5 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये आपके फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से I2 की वैल्यू माइनस 7 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो इसकी जगह x, ये प्लस और 4 की जगह 2 होल स्क्वायर प्लस 10 और 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे 4, तो हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस में 6 है तो रूट 6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 7 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस में रूट 6 होल स्क्वायर इंटू dx। तो आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, आइडेंटिटी कौन सी, कई बार लिख चुके हैं हम, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, इसकी आइडेंटिटी है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 7 log x, x की जगह क्या है हमारे पास, x प्लस 2 है, x प्लस 2 प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10,
तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो i इक्वल टू i1 की वैल्यू रख दो 5 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, फिर ये माइनस 7 लॉग x प्लस 2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10 प्लस में c आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 24, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको सोल्व करना, देखना ये किसके इक्वल है। अब ये तो सिंपल है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा दो, ये आसान वाला क्वेश्चन हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 पर कुछ होता तो दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता, x प्लस इसका हाफ 1 का होल स्क्वायर प्लस में ये 2 और इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे 1, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो इसकी जगह आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये आइडेंटिटी आ जाएगी इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो ये होती है टेन इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस में 1 प्लस में सी, तो ये कौन सा पार्ट आपका, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1 आपका बी पार्ट है, तो बी पार्ट आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, 25th ये आपका डी एक्स अपॉन में रूट 9x माइनस 4x स्क्वायर, तो सेम वैसा ही है भाई, 9x माइनस 4x स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो, 4x स्क्वायर माइनस 9x, यानी माइनस कॉमन ले लिया हमने, 4 सबको 4 से डिवाइड कर दो, तो ये 4 भी कॉमन ले लिया आपने, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x, ये हो गया आपके पास, तो माइनस 4 इसका सिर्फ x आएगा, ये माइनस इसको 1/2 से मल्टीप्लाई यानी 9/8 होल स्क्वायर माइनस इसी का स्क्वायर यानी 81/64। अब क्या करना है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो इससे भी और उससे भी, तो 4 जब, या माइनस 4 को, माइनस 4 जब इससे होगा तो यहां माइनस आ जाएगा, 4 को हम अंदर ले जाएंगे, 4 अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखना बेटा ये इस मेथड से भी हो सकता है, 4 को वहां पे कॉमन ले लो आप, लेकिन अंदर ले जाके भी हो जाएगा, अंदर ले जाके ये आगे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 81/4 से ये कैंसिल हो जाएगा 16, फिर ये माइनस में, और यहाँ आ जाएगा 2x और माइनस 2 से कैंसिल 9/4, ये तो ये हो जाएगा 9/4 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9/4 होल स्क्वायर, ये आ गया अब आपके पास, तो इसे एलसीएम ले लेंगे तो ये 8x माइनस 9/4 होल स्क्वायर आ जाएगा, तो आपकी आइडेंटिटी कौन सी आ गई है, देखना पहले तो क्वेश्चन लिख लो, रूट 9x माइनस 4x की जगह 9/4 होल स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9/4 होल स्क्वायर, ये आ गया। अब ये आइडेंटिटी आपके पास आ जाती है इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की आइडेंटिटी क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, तो ये आंसर आपका आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू 8x माइनस 9/4 और a की वैल्यू 9/4, तो ये 4 से कैंसिल 4, तो ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 8x माइनस 9/9 प्लस में c। अब ये आंसर देखना, सब में बाहर 1/9 1/3 1/2 है, तो ये क्या हुआ, ये जो हमने बाहर लिया था 4 से डिवाइड किया था तो सबको 4 से डिवाइड कर दिया,
फोर से डिवाइड किया तो ये एक्स आया, ये जो फोर था इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया। देखो इसे मैं दोबारा सोल्व कराता हूँ इसके साथ में ही। ये था हमारे पास 9x माइनस 4x स्क्वायर, तो माइनस 4 मैंने कॉमन ले लिया तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर आया और ये मेरे पास आया माइनस 9x। ये अब इसको मैंने ऐसे ही रखा, ऐसे ही रखने का मतलब क्या है कि 4 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4 बाहर और अंदर इसकी जगह एक्स माइनस इसके अपॉन में 4 आ गया, तो 1/2 से करेंगे तो 9/8 होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 81/8 = 64। ये अब माइनस 4 एक्स माइनस 9/8 होल स्क्वायर माइनस 9/8 होल स्क्वायर, ध्यान से देखना। तो हमने क्या किया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ 4 बाहर ही रखा, तो ये आगे आ जाएगा 9/8 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9/8 एलसीएम ले लिया तो 8x माइनस 9/8 होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया, जैसे पहले आया था अच्छा, यहां हम जब एलसीएम लेंगे तो हमारा यहां 4x आएगा, यहां एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 4x 4x और 4x। तो अब यहां देखना हमने इंटीग्रेट करना है किसको, 1/√4 9/8 होल स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9/8 होल स्क्वायर को, 4 रूट से बाहर आएगा 2 तो ये 1/2 बाहर आ गया, 1/2 इंटीग्रेशन 1/√9/8 होल स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9/8 होल स्क्वायर dx। तो ये क्या है, टेन इनवर्स, इसका साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स बाय एट एक्स माइनस 9/8 / 9/8, 8 से 8 कैंसिल और बाहर ये 1/2 एज इट इज, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस में सी। अब ये 1/2 बाहर रह गया, 4 हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, मल्टीप्लाई कर देते तो वो आंसर आ जाता जो हमारा पहले आया था, और ये कि कौन सा ऑप्शन हमारा, ये हमारे पास बी ऑप्शन है, बी, तो बी आपका आंसर आ जाता है, ठीक है।